पंडित अजीत कुमार झा के घर शिवेशिंगपुर। आज के दिन भगवान परशुराम के विष्णु के रूप में छठा अवतार है, जैमे परशुराम जी ने अपना शपथ लेने छा जो हम 21 बार क्षत्रिय के संहार कर, तो उनके सत्य सनातन धर्म के प्रचारक परशुराम जी के ही द्वारा चलाए गए छा, जिनका अस्तित्व को हम सब राखित आई परशुराम जयंती मनेगौ हन। ओम गणानंद्वा गणपते गंग हवामहे, पियानंद्वा पियपते गंग हवामहे, निधिनंद्वा निधिपते गंग हवामहे, बसो मम अहम जानी गर्वधम्मा तुम जासी गर्वधम्मा। अ के साथ हम परशुराम जी के सत सत नमन करे छी। जी आज बाबा परशुराम जी का जन्मतिथि जयंती था और लॉकडाउन में हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही सादगी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए के उपाध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष श्री अजीत कुमार झा, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री मुकेश चौधरी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के श्री रौनक मिश्रा जी, सत्यम कुमार ठाकुर जी, आशुतोष कुमार चौधरी जी, इन सबों के साथ हम लोगों ने बहुत ही सादगी पूर्वक बाबा परशुराम जी का जयंती मनाया है और इसी दरवाजे पर प्रधानमंत्री जी के मन की भी बात कार्यक्रम को भी सुना है और सभी से यह करना है कि लॉकडाउन में घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी व्यक्तियों ने बारी बारी से माल्यार्पण किया बाबा परशुराम जी के चित्र पर, पुष्पांजलि अर्पित किए, उनको फूल माला और अगरबत्ती दिखाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार चौधरी, मंडल भाजपा अध्यक्ष है। बाबा परशुराम की जय। बाबा परशुराम की जय। जय माता अनुसैया की जय। माता अनुसैया की जय। दत्तात्रेय बाबा की जय। दत्तात्रेय बाबा की जय। मन की बात सुन रहे थे, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय बाबा परशुराम जी के जयंती पर मैं अपनी ओर से तमाम भारतीय जनता पार्टी के और प्रणत हमारे जो भी हमारे हयाघाट मंडल के सनातन धर्मी हैं उनके तरफ से मैं बाबा को नमन करता हूं। और नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी जो आज कहे हैं, जो सतर्कता गई दुर्घटना घटी, तो हम लोग जैसे जैसे लॉकडाउन का अवधि बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम समझते हैं जो कि ये वैश्विक महामारी ख़त्म हो गया, तो इसको कोई भी ऐसे नहीं समझे ये ख़त्म हो रहा है। ये अभी समझिए जो हमारी सतर्कता जरा सा भी चूक हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे परिवार को ले डूब सकता है, इसलिए और ज़्यादा सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन को और ज़्यादा आप अपने, ये नहीं जो कि हम पुलिस के डर से घर में रहें, हम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए घर में रहें, पुलिस की डंडा से डर से नहीं रहें। अच्छा तृतीय है प्रधानमंत्री जी का जो है सो हर आदमी ने सुना है, हर आदमी के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, क्या नाम है? मुकेश चौधरी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, हयाघाट मंडल। ये ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा, हमारी भावना अक्षय है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां रास्ता रोके, चाहे कितनी भी आपदाएं आए, चाहे कितनी भी बीमारियों का सामना करना पड़े, इनसे लड़ने और जूझने की मानवीय भावनाएं अक्षय है। माना जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। अक्षय पात्र यानी एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे अन्नदाता किसान हर परिस्थिति में देश के लिए, हम सब के लिए इसी भावना से परिश्रम करते हैं। इन्हीं के परिश्रम से आज हम सब के लिए, गरीबों के लिए देश के पास अक्षय अन्न जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं तो हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी धरती अक्षय रहे।
क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया का यह पर्व दान की शक्ति यानी पावर ऑफ गिविंग का भी एक अवसर होता है। हम हृदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं वास्तव में महत्व उसी का होता है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं। संकट के इस दौर में हमारा छोटा सा प्रयास हमारे आसपास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है। साथियों, जैन परंपरा में भी यह बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन का यह एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। ऐसे में